समझता हूँ कि अखिलेश का ये जो फैसला, अखिलेश के हक में जो फैसला आया है कि साइकिल का लोगो इनको मिला है, पूर्ण बहुमत से अभी भी सरकार है और आने वाले वक्त में भी मैं समझता हूँ कि इनकी सरकार पूर्ण बहुमत से ही आएगी। अखिलेश का मुद्दा हमेशा विकास का रहा है, कभी उन्होंने धार्मिक राजनीति नहीं करी है और आने वाले वक्त में भी हम लोग सिर्फ विकास के मुद्दे की बात करेंगे और हमेशा विकास ही मिलेगा हम लोगों को। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि लखनऊ में मेट्रो आ गई, कानपुर में मेट्रो आ गई, जिसकी हम लोग आने वाले 10 साल में भी तमन्ना नहीं कर सकते थे, वो सौगात हम लोगों को मिली है। तो इससे बहुत सारी अपेक्षाएं हम लोग को हैं अखिलेश की सरकार से और हम सब उनके साथ हैं। अखिलेश को जो साइकिल मिली है, इसका मेरा मानना तो ये है कि वो ये जो हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है। जिसके पास ज्यादा MLA होंगे, उसके पास पावर ज्यादा होगी, तो सिंबल भी उसी को मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है कि जिसके पास पावर है फिर उसी को तो दिया जाएगा सब। ऐसे तो आदमी कुछ भी, किसी के पास कुछ है नहीं, उनके पास भी कुछ नहीं था, तो अखिलेश जी के पास सब लोग थे, तो अखिलेश जी को सिंबल मिला। ये तो वेरी गुड बात है जनता के लिए भी, अखिलेश जी के लिए भी। अखिलेश को जो साइकिल मिली है उससे सभी में उत्साह है और वो विकास कर रहा है इस चक्कर में, तो उसने जो भी फैसला है वो सही है। और विकास क्या चाहिए UP में, सिर्फ विकास, जो विकास करेगा वही जीतेगा। अखिलेश को पार्टी का जो साइकिल का सिंबल मिला हुआ है, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है मुझे कि यह बिल्कुल सही निर्णय लिया गया है, क्योंकि पिछले 5 साल में अखिलेश सरकार ने जो निर्णय लिए हैं और जिस तरीके से भारत प्रदेश का विकास किया हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी अखिलेश सरकार के ही आने के पूरे चांसेस हैं और मुझे लगता है कि अखिलेश सरकार ही आएगी, क्योंकि उनका कार्य बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने प्रदेश के लिए।